Hello friends, welcome once again to Health Made Easy. Friends, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम में से हर कोई किसी न किसी कारण की वजह से स्ट्रेस्ड रहता ही है और ये लाइफ का एक कॉमन पार्ट बन गया है. फ्रेंड्स, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी का असर हमारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है और हम अक्सर हाई ब्लड शुगर या जिसे कि डायबिटीज़ भी कहते हैं इसके बारे में सुनते हैं. लेकिन इसके साथ ही एक और भी प्रॉब्लम है जो अभी काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है, वो है ब्लड शुगर का लो हो जाना, जिसे कि लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं. लो ब्लड शुगर की कंडीशन हाई ब्लड शुगर की कंडीशन से भी ज़्यादा रिस्की होती है और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि इस कंडीशन में किस तरह की चीज़ें फील होती हैं. सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर क्या होता है. तो फ्रेंड्स, जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम हो जाता है या हमारी ब्लड शुगर अगर हम मेज़र करते हैं ब्लड शुगर मॉनिटर से, अगर वो 70 की रीडिंग से कम आती है तो वो लो ब्लड शुगर की कंडीशन के में आता है, और अगर ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो ये मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है. तो फ्रेंड्स, आज हम इसी कंडीशन पर बात करने वाले हैं. फ्रेंड्स, लो ब्लड शुगर जिसे कि हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, इसके कॉमन सिम्टम्स इस तरह से देखे जाते हैं कि जब भी ब्लड शुगर अचानक से लो होता है तो बॉडी उस समय वार्निंग साइंस देती है, जैसे कि अचानक से थकान हो जाना, हाथों में झंझनाहट पैदा होना, हाथ कांपने लग जाना, इसके अलावा माथे पर अचानक से पसीना आ जाना, अचानक से तेज़ भूख लगना जिसे कि शुगर क्रेविंग भी कहते हैं, चेहरे पर पीलापन आ जाना, इसके अलावा अगर ज़्यादा शुगर लो हो जाती है तो बात करने में दिक्कत आना और कभी कभी तो बेहोशी भी हो सकती है. जब भी ये कंडीशन या इस तरह के सिम्टम आप नोटिस करते हैं तो तुरंत नियरेस्ट फर्स्ट एड सेंटर को अप्रोच करना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए और तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है. तो इसके होने के लिए दो तरह की कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल होती है. एक तो ये उन लोगों में होता है जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको पहले से ही हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, और उन लोगों में कभी कभी मेडिसिन की ओवरडोज से या डाइट टाइम पर ना लेने से ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है और इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और जब अचानक से ही होता है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिक शॉक भी कहते हैं. दूसरी तरह की कंडीशन जो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत अभी देखने में आ रही है, वो है हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना. हमारी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी ग्लैंड्स हैं, उनका स्पेशली डिस्टर्ब हो जाना, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कभी कभी अचानक से वो इंसुलिन का बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन होने से ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाता है, जिसे कि नॉन डायबिटिक हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं. और ये कंडीशन मेंटल स्ट्रेस अधिक होने की वजह से, हमारी जो ग्लैंड्स हैं उनके डिस्टर्ब होने की वजह से होती है, और ये कंडीशन प्रेजेंट मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी कारण की वजह से स्ट्रेस में रहता ही है. तो फ्रेंड्स, इस तरह की कंडीशन को मैनेज करने के लिए इमीडिएटली आपको 3 चम्मच शुगर लेकर उसको 1 गिलास पानी में घोलकर तुरंत पीना है. लगभग 10 से 15 मिनट के टाइम में बॉडी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देती है, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको तुरंत नियरेस्ट फर्स्ट एड मेडिकल सेंटर को अप्रोच करना चाहिए, वहाँ पर पहुँचकर तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए. लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब आपको किसी तरह के सिम्टम नहीं हैं तो इस कंडीशन को होने से बचने के लिए कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी में हार्मोनल लेवल का जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी मेंटेन होता है, और हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के फ्लक्चुएशंस की वजह से ये जो सिचुएशन पैदा होती है ये बार बार होना बंद हो जाती है, और इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. फ्रेंड्स, पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी रिस्ट पर अंदर की तरफ, यानी कि पामर साइड में हमारी रिस्ट की क्रीज से
थ्री फिंगर्स अपार्ट, तीन फिंगर छोड़कर यहाँ पर जहाँ पर ये वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पर सिचुएटेड होता है। आपको इस पॉइंट को लगभग 30 सेकंड से 60 सेकंड तक दबा के रखना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको रिलीज कर देना है। इस पॉइंट को दिन में 2 से 3 बार आपको दबाना है। इस पॉइंट को दबाने से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारी एल्बो क्रीज के ऊपर आउटर साइड में जहाँ पर ये वीडियो में दिखाया गया है वहाँ पर ये पॉइंट सिचुएटेड होता है और इस पॉइंट को भी उसी तरह से 30 से 60 सेकंड तक आपको लगातार दबा के रखना है और फिर उसको रिलीज़ कर देना है और इसे आपको दिन में 2 से 3 बार दबाना है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारे पैर के पंजे के ऊपर हमारे फर्स्ट टो और सेकंड टो के बीच में ये जो डिप्रेशन होता है जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पर ये पॉइंट सिचुएटेड होता है। बाकी पॉइंट्स की तरह ही इस पॉइंट को भी 30 से 60 सेकंड तक आपको लगातार दबा के रखना है और इसे भी दिन में 2 से 3 बार आपको दबाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो ऊपर सिम्टम्स मैंने बताए हैं उन सिम्टम्स की कंडीशन में आपको काफ़ी फ़र्क आएगा और अगर लगातार आप लंबे समय तक इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह की समस्या से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।